दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। दोस्तों इस बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पे दे दिया, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, मेरे बहुत सारे प्रीमियम मेंबर्स मुझे कमेंट करते रहते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते रहते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते रहते हैं। दोस्तों मैं आज उन कुछ प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपकी हुई वो प्रॉब्लम हो तो वो आपका सॉर्ट आउट हो जाए। दोस्तों जो इस टाइम मेरे पास क्वेरी आ रही है वो मोस्टली क्वेरी आ रही है NOC से रिगार्डिंग, कि NOC कैसे लिया जाए। दोस्तों NOC का प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको आप खुद करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। दोस्तों जो भी आपको NOCs की लिस्ट मिली है, आपको वो NOCs की लिस्ट आपको अपने DM ऑफिस में सबमिट करनी है। वहां से एक लेटर बनके जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होगा उसमें जाएगा, आपको उसको फॉलोअप करना है और अगर प्रॉपर तरीके से आप फॉलोअप करेंगे तो आपको जल्दी ही NOC मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे हैं जिनके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कई कंसल्टेंट के नंबर प्रोवाइड किए हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात करके अपने NOC के प्रोसेस को एक्सक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जो नेशनल हाईवे का इस टाइम एक गाइडलाइन आया हुआ है रिलैक्सेशन का, जिसमें इंटरसेक्शन हैं, अगर रिलैक्सेशन में आपकी फाइल जा रही है दोस्तों तो आपको एक प्रपोजल बना के उसको भेजना पड़ेगा, किसी कंसल्टेंट के थ्रू उसको आप करवा सकते हैं। वो रिलैक्सेशन का जो प्रपोजल है दोस्तों वो आपके मिनिस्ट्री में जाता है, मिनिस्ट्री में जाने के बाद वो अप्रूव होगा या नहीं होगा इसकी कोई सियोरिटी नहीं होती है। अगर रिलैक्सेशन मिलता है तो आप आगे एक्सक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से है, इनमें दोस्तों आप पैरेलली सारे फाइल्स को रन कर सकते हैं। बट जब तक NH या PWD या फिर SH का NOC आपको नहीं मिलता है तब तक आप फॉरेस्ट के NOC के लिए प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको PWD का ना मिल जाए तब तक आपको फॉरेस्ट का नहीं मिलेगा। अब दोस्तों कुछ मेरे व्यूअर्स हैं, कुछ मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं, उनका जो क्वेरी आ रहा है, जो अलग अलग NOC डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे उनके साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है। दोस्तों डिपार्टमेंट को ये लगता है कि आपका पेट्रोल पंप सेंक्शन हो गया है, आपका पेट्रोल पंप का अलॉटमेंट हो गया है तो आप बहुत पैसे वाले हैं, तो वो मनचाहा पैसे आपसे डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों NOC तो आपको लेना ही है, एनी हाउ NOC लेना है। अब उस डिपार्टमेंट के लोगों से आपको मिलके जैसे भी हो सके आप उस NOC को जरूर प्राप्त करें, क्योंकि NOC लेना मैंडेटरी है। बिना NOC के आपको आगे का प्रोसेस, मतलब LOA लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, और जब तक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा तब तक आगे के प्रोसेस स्टार्ट नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो NOC के प्रोसेस को आप करते रहिए, और NOC के प्रोसेस में कोई आपको इशू आ रहा है, कोई आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहां तक होगा मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। मैंने दोस्तों अभी तक बहुत सारे लोगों की NOC के प्रोसेस को स्टार्ट किया है और कई सारे लोगों के कई डिपार्टमेंट से NOCs मिल भी गई हैं। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो आप ही इसको एक्सक्यूट कर सकते हैं, इस NOC के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो ये चाहते हैं कि वो LOI स्टेज पे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन करके आउटसाइड पार्टनर इंडक्ट कर लें। बट इस केस में दोस्तों जो सेल्स ऑफिसर होते हैं, जो आपके रीजनल मैनेजर होते हैं, वो डायरेक्टली कहते हैं कि इस केस में अभी आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों, एट LOI स्टेज आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन दिया गया है। इसमें थोड़े से पेज होते हैं, थोड़ी सी टेक्निकलिटी होती है इसमें, इस वजह से वो इस प्रोसेस को एक्सक्यूट नहीं करना चाहते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, रिसाइटमेंट प्लान। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया कि मैं रिसाइटमेंट करना चाहता हूं तो क्या इसका प्रोविजन है।
दोस्तों रिसाइटमेंट का एक प्लान है 2019 का, इनका एक गाइडलाइन है रिसाइटमेंट कैसे होगा, उसके कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, उन कंडीशंस को अगर आप फॉलो करते हैं आप रिसाइटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों रिसाइटमेंट का जो सबसे बड़ा रीजन होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से अगर आपको एनओसी नहीं मिलता है तभी आप वहां पे रिसाइटमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कुछ क्वेरीज और आ रही हैं, जिन्होंने कंप्लेन किया था उनकी कंप्लेन की कोई भी रिस्पांस कंपनी के द्वारा, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के द्वारा नहीं दी जा रही है और कंप्लेन किए हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए, 3 महीने हो गए। दोस्तों इसमें जिस भी अप्लीकेंट के अगेंस्ट आपने कंप्लेन किया है अगर वो सिलेक्ट होता है और सिलेक्ट होने के बाद जो आपने कंप्लेन किया गया है अगर वो जेन्युइन पाया जाता है तब तो आपको कंप्लेन के साथ साथ एक लेटर भी, कंप्लेन जो आपने किया है उसके साथ एक आपको लेटर भेजा जाएगा, और अगर आपका जो कंप्लेन है वो जेन्युइन है तो आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है, जो आपने 5000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाया है वो भी आपको रिटर्न कर दिया जाता है। और बहुत सारे एप्लीकेंट्स का जिनका मैंने ही कंप्लेन करवाया हुआ था, मैंने ही लेटर बनाया हुआ था, उनके दोस्तों वो लेटर और डिमांड ड्राफ्ट भी रिटर्न हो रहे हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो इजीली हो जाएगा। अब जिनका रिजेक्शन हो चुका है कंप्लेन के अगेंस्ट, अब उस लोकेशन पे रीड्रॉ कब होगा, नया ड्रॉ कब होगा, इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से थोड़ा सा डिले होगा। इसमें दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एलईसी हो चुका है और अभी तक उनको एलओआई भी नहीं मिला है, इस केस में भी दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा, कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से नए काम नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों अगर कहा जाए कि सेल्स ऑफिसर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके कॉल को अटेंड नहीं कर रहे हैं, आपकी क्वेरी को नहीं सुन रहे हैं, तो इस केस में दोस्तों उनकी भी प्रॉब्लम्स को थोड़ा आप समझिए, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर था तो फाइनेंशियल ईयर एंड की वजह से उसमें थोड़ा सा बिजी थे सेल्स ऑफिसर, अब आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अब वो आपको रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। दोस्तों कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाए, कोई अप्लीकेंट है वो ओबीसी कैटेगरी से है और वो आउटसाइड पार्टनर जो है वो जनरल कैटेगरी को इंडक्ट करना चाहते हैं, तो इस केस में कितने परसेंट का वो आउटसाइड पार्टनर बना सकते हैं। दोस्तों जो भी आउटसाइड पार्टनर होगा उसको 49% का शेयर आप दे सकते हैं, एक्सेप्ट एससी एसटी सीएफएस साइट, जो भी सीएफएस साइट है उसको छोड़ के आप सब में 49% का आउटसाइड पार्टनर इंडक्ट कर सकते हैं एट द स्टेज ऑफ एलवाई, एलवाई के स्टेज पे आप 49% का उनको शेयर दे सकते हैं। आफ्टर 3 ईयर ऑफ कमिश्निंग, 3 साल की कमिश्निंग के बाद आप उसको 100% उसको पार्टनर इंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो 3 साल के बाद होगा दोस्तों, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर नीचे चल रहा है दोस्तों, आप मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज बता दूं कि ये जो मेरा होता है ये पेड कंसल्टेंसी होती है, पेड कंसल्टेंसी लेके आपकी जो भी क्वेरी हो आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर कोई भी एनओसी से रिगार्डिंग आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे नए नए वीडियोज का अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।